आज हम भारतीय संस्कृति व परंपराओं और अपनी लोक कला और हस्तशिल्प के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया विशेषज्ञों, महाविद्यालय परिवार के सदस्यों, प्रतिभागियों, छात्राओं व अन्य सभी विद्वजनों का स्वागत करने के लिए एवं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं अपने प्राचार्य मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैडम प्राचार्य, सबसे पहले एक दिवसीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महोदया रचना मैडम का स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ हमारी संगीता दीदी, जिन्हें सुनने की हमेशा इच्छा रहती है, जिनसे मिलने की इच्छा होती है, संगीता दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हें उनका भी स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में मैं मिश्रा जी को, मिश्रा जी परम प्रिय, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अभी अभी मैं उनका बायोडाटा देख रही थी, उसमें इन्होंने एक लाइन लिखी है जो कि अपने आप में इनके व्यक्तित्व को बयां करती है। Craft is the only tool of sensitive the nature creativity in human being. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो साक्षात क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं। ऐसे मिश्रा जी को मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस वेबिनार में आने के लिए। इसके साथ साथ महाविद्यालय परिवार के हमारे सभी विद्वान साथी, विद्वान हमारे विद्वत शिक्षकगण, हमारी प्यारी छात्राओं और इसके साथ साथ जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उन्हें बहुत प्यार से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ इसके लिए। आज का जो विषय है वो विषय हमारी संस्कृति का। अरुंधति हमेशा कहती है कि मैडम आपको संस्कृति विषय में कुछ भी बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति हम सब की है, हम सब उससे उसके ही जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी सजोए रखती है। इसके साथ हमारी जो लोक कलाएं हैं, लोक कला हमारा हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट अपने आप में ही इतना विशाल है कि हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार हमारे पास खुद ही है, लेकिन अभी तक क्या था कि हम पाश्चात्य चीज, जहां पर इंटरनेशनल शब्द आता है जिस भी क्षेत्र में, आज की जो शिक्षा नीति थी, हम इंटरनेशनल के चक्कर में उधर जुड़ जाते थे और हमारी जो संस्कृति विरासत थी ये नेग्लेक्ट होती रहती थी। आज के दौर में, अभी का जो लॉकडाउन का समय था, इसमें कम से कम हमें अपनी संस्कृति याद आ रही है। तो हैंडीक्राफ्ट जितना है वो अपने आप में हमें रोजगार परक शिक्षा देती है और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे निश्चय ही आत्मनिर्भर तो जरूर बनेंगे। इस हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो आइटम है वो भारत के, ये पूरे विश्व में हर जगह इनका जो इनका इनको लोग पसंद करते हैं और इसको लेना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे गांव में बसता हुआ जो देश है, हमारे गांव में, वहां पे ये सारे क्राफ्ट हैं, चाहे वो मेटल वेयर हो, लकड़ी के काम हो, हमारा बांस का काम जो असम में बहुत प्रसिद्ध है, हमारे पॉटरीज जो होती हैं, फायर जो के डिजाइने, हमारी एम्ब्रॉयडरी, हस्तकला और इसके साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग, पेंटिंग, मार्बल पे जो नक्काशी की जाती है, पीतल के बर्तनों पे नक्काशी की जाती है, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम उसको पसंद तो करते हैं, जब लेना होता है तो हम उसको शायद चाइनीज चीज लेना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसकी वजह से हम
हमेशा ही अपने अपने को ही खुद हम जिम्मेदार हैं उसको पीछे करने के लिए। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति के इन हैंडीक्राफ्ट से जुड़ना चाहिए। इसीलिए शायद क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत जो हमारे पास पड़ी हुई है वो यहाँ तक भी हो गया है कि वो मेले से उठकर और ट्रेड फेयर, नेशनल ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पे अपना स्थान बना रही है, और उसे हमें उसको जरूर उसका उपयोग करना चाहिए, हमें उससे जरूर जुड़ना चाहिए। हम शायद बहुत पीछे हो गए थे, इसलिए मुझे लगा कि हम लोग कुछ इस पे विचार करें, कुछ सोचें, और सोचने से शायद कुछ मन बदले और हम उससे जुड़े। इसके लिए हम लोग आज इस वेबिनार को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं सबको, अपने टेक्निकल जो स्टाफ हमारा है, टेक्निकल जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, विशाल जी की टीम को भी मैं धन्यवाद और बधाई देती हूँ। धन्यवाद इसलिए कि 3 दिन से वो लगातार इसका पूर्वाभ्यास कर रहे थे। इसके लिए मैं गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष को, कन्वीनर को और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। प्लीज थैंक यू सो मच कंटिन्यू। मैम, थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपके ही दिशा निर्देश व उत्साहवर्धन के कारण आज हम इस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। अब मैडम की अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत कर रहे हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्चना गुप्ता मैडम का। मैडम सबसे पहले तो आप सबको मैं बता दूं कि मैडम मेरी गुरु भी हैं। आपके अंडर में मुझे पीजी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हाई स्कूल से लेकर पीजी तक मेरिट होल्डर रही हैं। आपका स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन रहा है, जिसमें आपको एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश में गोल्ड मेडल भी प्राप्त हो चुका है। आपका 37 वर्षों का यूजी और पीजी का शैक्षणिक अनुभव है। आप एपीएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ होम साइंस की डीन रह चुकी हैं। आपके कई इंटरनेशनल नेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी प्रतिभागिता रही है। इसके साथ ही आपने 13 ढेर सारे पीएचडी स्टूडेंट्स का निर्देशन कार्य किया है। आप एनआईएन की मेंबर भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैडम आपका स्टूडेंट से जो लगाव है, जो आपकी टीचिंग स्किल है, जिसे मैंने भी अनुभव किया है, वो अविस्मरणीय है। मैडम आज एक बार फिर आप हम सबको आपको सुनने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैडम प्रोफेसर अर्चना गुप्ता मैम। धन्यवाद अरुंधति, इतने अच्छे मेरा परिचय देने के लिए वेलकम बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम अरुंधति, और आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजक महाविद्यालय लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहट मिर्जापुर की प्राचार्य मैडम सुधा पांडे मैडम को वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। डॉक्टर वंदना शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग मैडम को भी मेरा सादर प्रणाम। आयोजन सचिव डॉक्टर अंजू सोनकर और आयोजक डॉक्टर अरुंधति राय, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार, और इस इतने अच्छे वेबिनार के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरी कुछ दिन पहले अरुंधति से बात हुई थी कि उसका ये कहना था कि मैडम हम लोग कुछ कोविड-19 इतना ज़्यादा दिमाग में भर गया है, इससे थोड़ा सा हटके कुछ अलग काम करना चाहते हैं, और उसने मुझे बताया कि मैं भारतीय संस्कृति विरासत लोक कला और हस्तशिल्प में मेरी प्रचार मैडम से बात हुई है, इस तरह का कोई वेबिनार करना चाहते हैं। तो मैंने उसको बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा वास्तव में वर्तमान समय में ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि पूरे विश्व में आज जहाँ हमारी नई बच्चे जो हैं, नई पीढ़ी जो है पाश्चात्य की तरफ आकर्षित हो रही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति से थोड़ा दूर होती जा रही है, लेकिन आज कोविड-19 महामारी ने हमारी संस्कृति को फिर से विश्व के सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, और आज पूरा विश्व
हमारी संस्कृति के आगे नतमस्तक है और वो उसको अपनाने के लिए विवश हो गया है, क्योंकि उसे ये पता है कि इस महामारी से हम भारतीय संस्कृति को अपनाकर ही इससे कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की उत्कृष्ट सर्वोत्तम संस्कृति है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है। भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता के कारण ही इसको हम देव संस्कृति भी कहते हैं और ये सनातन संस्कृति भी है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है और हमेशा बना रहने वाला है, ना जिसका आदि है और ना ही इसका अंत होता है। भारतीय संस्कृति चीन मिश्र जैसे देशों की संस्कृति के समान ही प्राचीन और समृद्ध संस्कृति भी है। अन्य देशों की संस्कृतियों पर तो समय की धारा के साथ कुछ प्रभाव के कारण धीरे धीरे नष्ट भी होती गई है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आदि काल से आज भी अपनी परंपरागत अस्तित्व के कारण अजर अमर बनी हुई है। अगर हम संस्कृति शब्द की बात करते हैं तो वह संस्कृत के कृ शब्द से बना है, जिसमें हमारे तीन शब्द निहित हैं। प्रकृति, जो कि मूल स्थिति में हमें प्राप्त होता है, संस्कृति जिसको कि हम परिष्कृत करते हैं, जिसको उन्नत करते हैं, जिसको विकसित करते हैं, और विकृति जिसका हम दोहन करते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मानव के जीवन की पद्धति, उसके रीति रिवाज, उसका रहन सहन, आचार विचार, परंपराएं, जिस जो कि मनुष्य को बेहतर तरीके से जीने का की कला सिखाता है, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। और एक तरह से संस्कृति हमारी एक जीवन की एक व्यवस्था है, जिसमें हम अपने को व्यवस्थित रूप से अपने जीवन जीने की कला को सीखते हैं। अब संस्कृति में हमारी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं, एक होती है बाहरी और एक होती है आंतरिक। तो जो हमारी बाहरी संस्कृति होती है, जिसको कि हम भौतिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, हम भौतिक संस्कृति क्या है, यानी हमें जो भी प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती हैं उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हैं, है ना। उसमें जैसे हमारी भोजन है, भोजन व्यवस्था है, मकान की व्यवस्था है, घरेलू उपयोग की सामग्री है। जैसे अगर आज हम देखिए तो हमने साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक का निर्माण किया है। आप आज देखिए कि ये नई टेक्नोलॉजी का ही एक मिसाल है, जिसमें कि आज हम अपने अपने घरों में बैठ करके एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, एक दूसरे से इसके इंटरनेट के माध्यम से फेस से हम जुड़ सकते हैं। और आज इस तरह के जो वेबिनार हो रहे हैं, जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, कभी हम लोग ने ये सोचा भी नहीं था कि घर बैठे इतने बड़े वेबिनार से हम इतनी सारी चीजें का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इतनी सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी भौतिक संस्कृति है, जिसमें से जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जो पीढ़ियों पुरानी पीढ़ियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, उसको हमने और अधिक परिष्कृत कर आज इस रूप में लाकर दे दिया है। तो इस तरह हमारी भौतिक संस्कृति भी निरंतर विकसित होती रहती, उन्नति होती रहती है, और हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी करते हैं। अब आती अभौतिक संस्कृति। मानव का क्या स्वभाव होता है कि उसने जो प्राप्त कर लिया उसके बाद वो शांत नहीं बैठता, उसके और आगे करने की उसकी बड़ी लालसा रहती है, बड़ी इच्छा रहती है कि उसके आगे हम करें। तो जैसे उसने भौतिक स्थितियों में सुधार किया, रोटी कपड़ा मकान अपने लिए जुटाया, तो उससे उसकी भौतिक संस्कृति तो संतुष्ट हो गई, किंतु उसकी जो आंतरिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति है, जिसमें आत्मा, मन, धर्म, दर्शन, इसको भी उसने आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया। उसके लिए उसने तरह तरह के साहित्य लिखे, और जो उसकी पुरानी परंपराएं थी, जो धर्म थे, दर्शन थे, उसका और अध्ययन किया, गूढ़ अध्ययन किया, और अपने चिंतन में, अपने आत्मा में उससे उतारने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये हमारी संस्कृति जो होती है वो हमारे अंदर समाई हुई है। अब भौतिक संस्कृति को हम सभ्यता का भी नाम देते हैं।
है ना, क्योंकि हम जैसे जैसे भौतिक संस्कृति को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम सब होते जा रहे। आप प्राचीन समय पर जाइए, जब आप जंगलों में रहते थे, आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, भोजन के लिए आप वृक्षों के पत्ते फलों पर या जानवरों को मार के खाने के लिए विवश थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे सभ्यता का आविष्कार हुआ, हमारी भौतिक संस्कृति भी विकसित होने लगी और उसके साथ ही साथ हमारी अभौतिक संस्कृति जो है वो भी विकसित होने लगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभ्यता या भौतिक संस्कृति अगर कठोर है तो हमारी संस्कृति जो है विस्तार है। भौतिक पक्ष प्रधान होता है, वैचारिक पक्ष आत्मा होती है। मतलब भौतिक पक्ष हमारा शरीर होता है तो वैचारिक पक्ष हमारी आत्मा होती है। सभ्यता से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या है। देखिए कितना बड़ा अंतर है सभ्यता और संस्कृति, दोनों लगभग एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में समानता है, लेकिन जब हम उसके गहन अध्ययन पे जाते हैं, उसके गूढ़ अर्थ में जाते हैं, तो आप देखेंगे सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता हमें ये बताती कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन संस्कृति हमें ये बताती कि हम क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुत सारे साधन है, बहुत संपन्न है, हमें हर सुविधाएं, लेकिन हम क्या है? हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो वो हम क्या है इस चीज को हमारी संस्कृति ही बताती है। अब हम बात करते हैं कि संस्कृति विरासत के रूप में हमें कैसे प्राप्त होती है। संस्कृति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो अपने पूर्वजों से सीखते हैं, उनमें क्या करते हैं, वो अपने अनुभवों के द्वारा उसको परिष्कृत करते हैं, है ना। जो चीजें उनको उपयोगी लगती है उसको और उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं, और जो उनको अनावश्यक लगती, ऐसा लगता है कि नहीं ये आज के परिपेक्ष में हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या उस परिपेक्ष में आज हम इस कार्य को उतने अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और जो हम संस्कृति अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से लेते हैं, उसे ही हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत में वे सभी मूल्य होते हैं जो कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ये विरासत प्राप्त करता है, और इसके जो मूल्य होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं, जिन्हें हम संरक्षित करते हैं, जिन्हें हम सुरक्षित करते हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इससे अवगत कराने का भी प्रयास करते हैं, और इसमें हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब इस तरह से देखिए हमारी भारतीय जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें कुछ स्मारक हैं जो आज भी हमारे लिए गर्व का कारण बनी हुई है। आप दिल्ली का कुतुब मीनार देख लीजिए, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देख लीजिए, आगरा का ताजमहल देख लीजिए। अगर आज हम आगरा शहर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक ताजमहल की पिक्चर आती, या हमारे मुंह से निकलता अरे वहां का ताजमहल तो बड़ा प्रसिद्ध है। अमृतसर का है तो अमृतसर के लिए हमारे आता कि वहां का स्वर्ण मंदिर है और जलियांवाला बगीचा है, यानी वो भी हमारे संस्कृति से आज जुड़ चुका है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में हमारी गणितीय शिक्षा जो है, खगोल विद्या है, ज्योतिष विद्या है, आज एक विशाल के रूप में हमारे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसका कोई भी दूसरी शिक्षा जो है विश्व के अन्य लोग इसके आगे अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। यानी इस तरह की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों को इन सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराते रहें समय समय पर, जिससे कि वो इससे दूर ना जाने पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति परंपराओं से, रीति रिवाज से, विश्वास से, जीवन शैली से, आध्यात्मिक पक्ष से, भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी हुई है, और यही मानव ही इस संस्कृति का निर्माता है
और संस्कृति ही मानव को मानव बनाती है। संस्कृति के बिना मानव एक पशु के समान है। जैसे पशु में किसी भी चीज का ज्ञान, आत्मबोध, आत्मबोध तो पशुओं में होता है, अगर हम उसको प्यार करते हैं तो वो भी हमारे को उस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन जहां तक संस्कृति की बात है वो पशुओं में अभी भी विकसित नहीं है। मनुष्य और पशु में जो भिन्नता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी, हमें संस्कृति से जुड़ना। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, क्या हम आने वाली पीढ़ी को उनको पढ़ा करके देते हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से देते हैं? कुछ हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनको इस बारे में बताया जाता है, लेकिन रीति और परंपराओं को हमें अगली पीढ़ी में देने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो, अगर हम उनके सामने उस तरह का व्यवहार करते हैं तो वो उसको आसानी से सिर्फ देख करके, अनुसरण करके उसको वो सीख जाते हैं। जैसे अगर किसी परिवार में भोजन बनाने के पश्चात पहले अगर ईश्वर की उस भोग लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो परिवार क्या, ये जो संस्कार है वो धीरे धीरे संस्कृति में बदल जाता है और उस घर का हर सदस्य आगे इस संस्कार को फॉलो करता है। इसका मैं एक बहुत अच्छा और जिसको कहना चाहिए मैंने जीवंत देखा है, उसका मैं उदाहरण बताती हूँ। एक ब्राह्मण परिवार है, उनके यहाँ दो बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे हैं, लगभग 2 साल के हैं। वो एक दिन, वो बच्ची जो है खाली बैठ करके इस तरह से, मैं आपको थोड़ी सी प्रक्रिया करा के अगर मेरा चित्र दिख रहा है तो वो खाली बैठ करके इस तरह से ताली बजाती है, फिर अपने बालों को पीछे ले जाके चोटी बांधती है, फिर ताली बजाती है, अपने दोनों गालों को सहलाती है, फिर ताली बजा करके कुछ शब्द बोलती है जो कि अस्पष्ट थे और हम लोगों को समझ में नहीं आते थे। जब उस बच्ची को इस तरह से मैंने 2-3 बार करते देखा तो उससे पूछा, बेटू क्या कर रही हो? उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटू क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया, दादू करते हैं। दादू यानी उसके दादा, उनके दादाजी शाम को संध्या करते थे, जिसको उन बच्चों ने देखा और उसको फॉलो किया। अब आप बताइए, इसमें उस बच्चे को ना ही अभी भाषा का ज्ञान है, ना ही उसने कोई शिक्षा ग्रहण करी है और ना ही उसको बताया गया, लेकिन उसने अपने बड़े बुजुर्गों को करते देख करके उसको आत्मसात कर लिया। तो हमारी रीति रिवाज और परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो करें भविष्य में, तो हमें उनके सामने इस तरह एक आदर्श, एक मिसाल देना बहुत ही आवश्यक होता है और वो जाने अनजाने उन रीति रिवाज को, उस परंपराओं को आत्मसात कर लेते हैं। अब संस्कृति में तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, मैं कुछ विशेष विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। और मेरा ये सोचना है कि हम किसी देश की या किसी समूह की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला और दर्शन को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे दृष्टिकोण से है कि हम उनके जो साधारण शिष्टाचार हैं हम उससे जाने, उसे देखें, उसे समझें, तो हम उनकी संस्कृति को और अधिक निकटता से समझ सकते हैं। हमारे देश में एक संस्कृति अतिथि देवो भव, और ये वास्तव में बहुत प्रसिद्ध संस्कृति है और इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी हम अपने देशवासियों के साथ तो ये व्यवहार करते ही है कि अतिथि अगर हमारे घर में आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर विदेशों से भी आने वाले दूसरे देश के निवासी अतिथि के रूप में आते हैं तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व की का भाव भी हमारी संस्कृति में है। और एक संस्कृति तो बहुत ही विशाल है जिसको हम कहते हैं अनेकता में एकता की संस्कृति। हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से बहुत विभिन्न है, हर हमारे अलग अलग प्रांतों की आब हवा, वेशभूषा, बोली, पहनावा, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं, लेकिन उन सारी विभिन्नताओं के बाद भी सबका भाव एक ही होता है
एक दूसरे से प्रेम स्नेह सहयोग की भावना। और इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम सब एक हैं, ये भाव भी उसमें आता है। जैसे कि हिमालय हमारे पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है, चाहे हमारे देश के किसी कोने में भी कोई रह रहा हो, हिमालय सबके लिए गौरव का एक प्रतीक है। गंगा यमुना नर्मदा नदी हमारे देश की संस्कृति है, उनकी हम पूजा करते हैं और हर कोई इनकी पूजा करता है। हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजा की जाती है, वह वट वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, इन सब की हम पीपल की पूजा हम करते हैं। और राम कृष्ण शिव की आराधना भी की जाती है, उनके स्वरूप भले अलग हों लेकिन किसी न किसी रूप में हम एक किसी देव की इष्ट देव की आराधना जरूर करते हैं। अगर हम आप ये सोचिए कि वृक्षों को पूजने की क्या आवश्यकता है, नदियों को पूजने की क्या आवश्यकता है, तो ये हमारी हमारी संस्कृति में इनको पूजा जाता है। एक तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे को हर उसमें सहयोग करते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, हमारे उपयोग के लिए लकड़ी देते हैं, ये नदियां जो है हमें पानी देती हैं, हमारी जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं, और ये राम कृष्ण जो ईश्वर होते हैं वो हमारे आस्था के प्रतीक होते हैं। और जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम इनकी क्षति को रोक सकें, इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति होने ना दें। फिर भारतीय संस्कृति में एक है गुरु शिष्य परंपरा, ये भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महान परंपरा है। और गुरु को तो ईश्वर से भी ज्यादा उच्च स्थान दिया है। इसके लिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। यानी गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। और हमारे यहाँ शिष्य तो गुरु की आराधना करते ही हैं और हमारे गुरु भी हमें शिक्षा के द्वारा ज्ञान के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वाद रूपी ज्ञान देते हैं। और उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि उनका शिष्य श्रेष्ठ रहे, उन्नत करे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति में एक देश की सीमाओं को भूभाग में ना बांध करके उनको माता का भी दर्जा दिया है, क्योंकि वो हमारी पालनहार होती है। इसीलिए कहा गया है, माता भूमि है, पुत्र है पृथ्वी, अर्थात माता भूमि है तथा मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यानी भूमि को माता का दर्जा भी हमारे यहाँ दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एक कुछ ऐसी संस्कृति है जिसमें कि जो कि जिसको लोग कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन अगर उसके वास्तविकता में हम जाते हैं तो वो हमारे ज्ञान और उसके अंदर ज्ञान और विज्ञान दोनों ही निहित है। अब और आज उस संस्कृति को मानने के लिए पूरा देश विवश है। जैसे अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करना, लोग जैसे कहीं जाओ बड़े शहरों में, अरे वो कैसी उसकी क्या पुराने गांव का ठेठ गांव है, अभी भी नमस्कार करता, हाथ मिलाना नहीं जानता। लेकिन आज देखिए पूरा विश्व इस अभिवादन को स्वीकार कर रहा है। उसमें देखिए क्या भाव था कि इस तरह से हम जीवाणुओं के, सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में आने से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ बाहर आने के बाद बाहर के जूते चप्पल बाहर उतारना, बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोना, और बच्चे माँ के प्रसव के बाद माँ और बेटे को कुछ दिन तक लगभग 14 दिन से एक महीने तक अलग कमरे में रखना, और उनके संपर्क में केवल घर की बुजुर्ग एक या दो महिलाएं ही आती थी या कोई भी एक दो व्यक्ति ही आते थे, जिससे जितने कम लोगों से उनका संपर्क होगा उतनी ही उनको संक्रमण की स्थितियां कम होगी। इसके अलावा हमारी पाक कला तो बेमिसाल है। और मैं आपको बताते हुए, मैं न्यूट्रिशन की प्रोफेसर हूँ, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे कि ये जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, लेकिन उनका खाने का तरीका बहुत ही सही और वैज्ञानिक था। वो हमेशा ऋतु के अनुसार भोजन ग्रहण करते थे, जिस ऋतु में जो चीजें उपलब्ध होती थी उसी से बनी हुई चीजें खाते थे। और आप देखिए उनको दाल चावल खाने का था, तो यानी अनाज और दालों के मिलने से एक संतुलित आहार
भोजन की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार जो दही बड़े बनते थे उनके दूध और दाल का कॉम्बिनेशन था, खिचड़ी दाल और चावल का कॉम्बिनेशन था, कढ़ी जो हमारे यहाँ बनती है, खीर जो बनती है, यानी अगर पौष्टिक दृष्टि से देखा जाए, पोषण की दृष्टि से देखा जाए, तो वो वास्तव में उसको हम संतुलित आहार ही कहते थे। एक हमारे यहाँ की बड़ी विशिष्ट परंपरा थी बच्चे को माँ का दूध पिलाना। इसके लिए हमें कभी भी कोई भी लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी पड़ती थी, वो अपने परिवार में से अपनी माँ को, छोटे भाई को, बहन को पिलाते हुए, चाची को, बुआ को, मौसी, किसी को भी देखते थे और उनके मन में ये बात आ जाती थी कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और आज देखिए कि बीच में हमने जब पश्चात संस्कृति का अनुसरण किया और इसको बंद करके हमने पाउडर के डब्बे का दूध लिया, तो आज हमें विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की आवश्यकता पड़ गई। यानी आज हम वास्तव में फिर अपनी पुरानी संस्कृति पे आ रहे हैं, क्योंकि वो संस्कृति जो हमारी थी वो वास्तव में साइंटिफिक रीजन पर आधारित थी। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक चरण स्पर्श है। चरण स्पर्श वास्तव में देखा जाए केवल झुक के चरणों को छूने तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत बड़ा न्यूटन लॉ भी छिपा हुआ है। जब हम किसी बुजुर्ग का चरण स्पर्श करते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सर पर आता है और हमारा हाथ उनके चरण पर जाता है। तो जो ऊपरी भाग है हमारा सर जिस पे उनका हाथ आता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और जो हमारा हाथ उनके चरण पर जाता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ऊर्जा का संचरण होता है, यानी उसमें से सकारात्मक ऊर्जा उनके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है और ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ उनके गुण भी हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। तो यानी इस तरह से हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, इसके साथ ही साथ हमारी योग, योग जब तक भारतीय संस्कृति से जुड़ा था तब तक उसने इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त किया। जब ये योग से योगा बन गया, हमारी विदेशियों ने जब इसको मान्यता दी, इसको सराहा, इसको माना, तो हमारे देशवासी भी अब योग में आ रहे। पुराने ऋषि मुनि हैं हमारे, और आप ये देखिए कि उनकी जो सेहत का राज था वो उनकी योग शिक्षा ही रही है, और वो अपने नियमित दिनचर्या में इसको शामिल किए हुए थे। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी सुबह उठ कर के घूमने का और योगा करने का काम वो करते हैं, और तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बिना थके निरंतर कार्य करते रहते हैं। इन विपरीत, इसके अलावा हमारी संस्कृति में विपरीत स्थिति में अनुकूलन करना भी सिखाती है। आज के समय पे देखिए, जब लॉकडाउन का समय चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, तो आप हमारी जो संस्कृति है उसका मूल भाव तो वही रहता है, लेकिन उसको करने के तरीके में हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वटवृक्ष की पूजा हुई थी। वटवृक्ष की पूजा में हम क्या करते हैं, सब महिलाएं एकत्र होकर के पूरा श्रृंगार करके ग्रुप में, समूह के रूप में जाकर के एक वटवृक्ष के साथ साथ उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज इस विषम स्थिति में हमने उसको भी आत्मग्रहण करके उसका पूजा तो की, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया। कैसे कि एक एक जाकर के महिलाओं ने किया, या कुछ महिलाओं ने घर में बैठकर ही एक वटवृक्ष का छाया चित्र लिया और उसमें उन्होंने पूजा की। और अभी हलछठ आने वाला है, इस तरह से तीज का त्योहार है, तो अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, इस कोरोना COVID-19 से सुरक्षित रखने के लिए अपने को, इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि हम अभी इसको सामाजिक दूरी बना के रखें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो COVID-19 का दौर चल रहा है, इसमें एक तरह का भय व्याप्त है। भय किस किस चीज का है? एक तो घर में रहने का, कि कब तक हम घर में अकेले ऐसे पड़े रहेंगे बिना काम के। दूसरा ये भय कि हम कहीं इस COVID-19 से संक्रमित ना हो जाए। तीसरा भाव ये है अपने को खोने का, कि कहीं ऐसा अपना कोई खास विशेष या अपने संपर्क में रहने वाले जो हमारे साथी संगी हैं उनको ये बीमारी ना हो जाए और कहीं वो अकाल मृत्यु में ना चले जाए।
तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे इंसान, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा संकट इस समय आके खड़ा हुआ है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि वो संकट है आर्थिक संकट। उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए हमारे जो योग है, ध्यान है, इन सब में हम तनाव की स्थिति से दूर हो सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आर्थिक संकट से उभरने के लिए हमारी हस्तशिल्प कलाएं हैं, आज हम घर बैठे उस हस्तशिल्प कला को करके बाजार में उसको आ, आ, अपना एक रोजगार बना सकते हैं, अपना एक व्यवसाय बना सकते हैं। जैसे इस समय लॉकडाउन के समय पे अभी आम वगैरह आते थे, तो हमारी महिलाएं खाद्य परिरक्षण के द्वारा घर बैठ के ही उसमें से अचार है, आम की बरी है, मुरब्बा है, जैम है, इस तरह विभिन्न उत्पाद तक बना करके वो मार्केट में ला सकती थी। वस्त्र निर्माण की कला के द्वारा वो वस्त्र निर्माण करके उसको मार्केट में ला करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती। इसी प्रकार क्या है, बहुत सारे लोगों का काम खत्म हो गया, व्यापार कहना चाहिए संकट की स्थिति में आ गया, लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन इन सब के बीच भी हमें अपने परिवार के बीच साथ रहने पे जो संबल प्राप्त हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और हम भारतीय कलाओं को और हस्तशिल्प के द्वारा अपनी इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक वैभव संपन्न देशों में से भारत एक देश है। इसमें तमाम विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी इसके अपने आचार विचार, मूल्य सिद्धांत, खान पान, रीति रिवाज, नृत्य संगीत, कला, पहनावा, भाषा, बोली, साहित्य, इन सब के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान है। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम ये कहते हैं हमारी वेशभूषा साड़ी है, महिलाओं की वेशभूषा साड़ी है, पुरुषों की कुर्ता पैजामा। अब हाँ, ये अलग बात है, साड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, चंदेरी हो सकती है, महेश्वरी हो सकती है, बनारसी हो सकती है ना, लेकिन मुख्य पहनावा हमारा क्या है, अलग अलग जगह लहंगे भी चलते हैं, अलग अलग वस्त्र चलते हैं, सलवार कुर्ता भी चलता है, लेकिन जो मुख्य पहनावा हमारा एक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एकता इसमें है कि हमारा मुख्य पहनावा महिलाओं का साड़ी है, मुख्य बोली हमारी हिंदी है। अब आइए हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत की लोक कला और हस्तशिल्प में कुछ बातें करते हैं। भारत की लोक कला और हस्तशिल्प जो है हमारी संस्कृति और परंपराओं को अभिव्यक्त करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली होती है, एक पद्धति होती है, जिसे कि हम लोक कला के नाम से जानते हैं। इस तरह हमारी भारत की अनेक जातियां हैं, उन अनेक जात ये जनजातियां हैं, और उनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पारंपरिक कलाएं चली आ रही हैं, जिनको कि हम लोक कलाएं कहते हैं, इन लोक कलाओं में चित्रकलाएं बहुत ही प्रचलित हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। जैसे बिहार की मधुबनी, उड़ीसा का पटचित्र, आंध्र प्रदेश की कलमकारी आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भारत के आंचलिक नृत्य हैं, जैसे पंजाब, अगर पंजाब का नाम आता तो तुरंत अपने दिमाग में भांगड़ा और गिद्दा आता है, गुजरात का रहता है तो डांडिया आता है, आसाम का रहता है तो बिहू नृत्य रहता है। तो इस तरह से उन प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को जो हम अभिव्यक्त कहते हैं, उनको अभिव्यक्त करने का लोक नृत्य के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से भी हम करते हैं। और जैसे इसमें नई ऋतु का स्वागत करना, बच्चे का जन्म, शादी, व्यवहार, त्योहार आदि पर हम अपना उल्लास व्यक्त करते हैं, यानी अलग अलग प्रदेश में इन के खुशियों का या इन उत्सवों को मनाने का, इन अवसरों के आयोजन का तरीका अलग हो सकता है, पर भाव एक ही होता है, और कि इसमें मूल भाव होता है खुशी और उल्लास का इजहार करना, प्रेम सौहार्द बनाए रखना, और इन विभिन्न अवसरों पर अपनी जो इनका भोजन है उसके द्वारा लोगों का आदर सत्कार करना। जैसे जन्म के समय पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें एक तो बधाई दी जाती है माँ को और उसके परिवार को, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खुशी प्रकट की जाती है, और उसके बच्चे के सौंदर्य की उसमें परिकल्पना रहती है,
और बच्चों की बाल लीलाओं की कल्पना रहती। मैं चार लाइन में रसखान जी का, जो मुझे बहुत अंदर तक छूता है, मार्मिक जो उनकी काव्य रचना है, उसको मैं आपको बताती हूँ। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सुन सिर सुंदर चोटी खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी। अब देखिए रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला और बाल सौंदर्य का कितना जीवंत परिचय दिया। ये ब्रज भाषा में था, इसी तरह अवध भाषा में, भोजपुरी में, बघेली में, हर भाषा में इस तरह के लोकगीत बालक के जन्म के समय या उसके वर्षगांठ के समय पर गाए जाते हैं। इसी तरह जन्म शादी के समय पे भी अलग अलग लोकगीत प्रचलित हैं, लोक नृत्य प्रचलित हैं। उसमें भी मैं आपको, मैं चूंकि बघेलखंड से हूँ, रीवा शहर की हूँ, और रीवा शहर में बेटी के विवाह के समय जो एक मार्मिक माँ और उस परिवार के लिए जो विदा के समय का अवसर होता है, देखिए कितना सुंदर भाव के साथ बघेली भाषा में इसको व्यक्त किया है। लाली लाली डोरिया पियर पर निया पियर पर धनिया रे धनिया लिवाए लिए जाए रानी के सुहगवारे धनिया लिवाए लिए जाए रानी के सोहग वारे दादा उनके रो मैं रूमाल मुख पो छे रूमाल मुख पो छे अरे दादी उनकी रो मैं बेनिहा रानी के सोहगवा। अब इस तरह के लोकगीत सुनने में हमें उसी तरह का भाव आ जाता है और मन अपनी बेटी के विवाह के समय की, उसके विदाई के समय की याद दिलाता। अब आप देखिए ये लोकगीत में कितनी जीवंतता रहती है कि जो हमें अंदर तक स्पर्श कर जाती है। अब अगर हम अपने लोक कलाओं को अगर का विभाजन करते हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अनिवार्य लोक कला और दूसरी होती है ललित लोक कला। अनिवार्य लोक कला वो होती है जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कला होती है, जैसे कि भोजन बनाना, वस्त्र का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, चर्म कला के द्वारा हमें जूते चप्पल का निर्माण करना, जो हमारे प्रतिदिन की ये आवश्यकता है। अब दूसरा होता है ललित कला, जिसको कि हम सहयोगी कला, सहायक कला के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये हमारे जीवन की एक रस्ता को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में रस आनंद मनोरंजन भरने के लिए रहती है, उसको हम कहते हैं ललित कला। और ये ललित कला के लिए हमें या तो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं हम, या इसके लिए हमें अलग से प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता होती है, जो कि आजकल हर जगह ये उपलब्ध होती है। अब ये ललित कलाएं जो होती हैं, ललित लोक कलाएं, उनको हम पांच भागों में बांटते हैं। पहला है लोक साहित्य कला। लोक साहित्य कला को हिंगेल ने इसको सर्वोत्तम कला माना। और लोक साहित्य कला में आप ये मानिए, इसको साहित्य कला तो बोलते हैं पर ये हमें लिखित रूप में नहीं मिलती, ये वाचक रूप में हमें एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक इसके बारे में जानकारी होती है। दूसरा चित्रकला, चित्रकला के बारे में जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चित्रकला जो विश्व विख्यात हैं, मूर्ति कला, संगीत कला, संगीत कला के अंदर वाद्य यंत्र, गायन और नृत्य तीनों ही आते हैं और ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हैं, जिनका लेकिन मुख्य मूल भाव एक सहयोगात्मक, एक उल्लास
का प्रदर्शन है। इसके एक और बहुत महत्वपूर्ण आता है वास्तुकला। वास्तुकला में भी भवन निर्माण ही है, लेकिन जो हमारी अनिवार्य लोक कला का भवन निर्माण है वो हमारे रहने के लिए होता है, लेकिन जो वास्तविक कला में वास्तुकला में हम स्मारक या भवन का निर्माण करते हैं वो हमारे सुंदरता एवं कलात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है और वो दर्शनीय होते हैं, वो हमारे लिए गर्व का प्रतीक होते हैं, वो हमारे दर्शनीय है। आज भी जैसा भी मैंने आपको बताया, आगरे का ताजमहल ले लीजिए, अमृतसर का कुतुब मीनार, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर ले लीजिए, दिल्ली का कुतुब मीनार ले लीजिए। तो इस तरह से हम ललित लोक कलाएं भी हमारे देश की बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हम उनको कह सकते हैं। अब आते हैं हम हस्तकला। हस्तकला वास्तव में एक हमारे रोजगार का एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है, अगर हमारी सरकार इस पर प्रयास करे तो जो हमारी हस्तकलाएं लुप्त हो रही हैं उसको हम फिर से जीवंत कर सकते। हस्तकला है क्या? हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जिसमें कि उपयोगी होने के साथ साथ वो सौंदर्य का परिचायक भी होता है और वो सजाने के काम भी आता है। कुछ अगर आप देखिए, लकड़ी के अगर हमने एक अच्छी सी ट्रे ली है, उसको अपन डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी रख सकते हैं और उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा, समय ज्यादा हो रहा, मैं बस अपनी बात बहुत शीघ्रता से खत्म करना चाहूंगी। और हस्तकला में जो चीजें हम मशीन से बनाते हैं या जिसको हम बड़े व्यापार तरीके में उपयोग करते हैं उसको अपन हस्तकला की श्रेणी में नहीं आते। अभी जैसे हमारी प्राचार्य मैडम ने बताया कॉलेज महाविद्यालय की कि बहुत सारे हस्तकला है, बांस का है, मिट्टी का है और जूट का है। एक मैं आपको अपने विंध्य प्रदेश की जो हस्तकला है जो कि गुमनाम हो गई थी, अभी इसको पिछले 10 वर्षों से फिर प्रारंभ किया है, वो है सुपाड़ी से खिलौने बनाने की हस्तकला, जो कि विश्व में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रही है। और हमारी सरकार द्वारा इस और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम अपनी इस हस्तकला को फिर से जीवंत करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज हमें ये आवश्यकता है कि जो हमारे यहाँ के शिल्पकार हैं अपने पूर्वजों से प्राप्त की गई प्रतिभा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में सुरक्षित, न केवल सुरक्षित रखें और उसको निरंतर आगे बढ़ाएं, जिससे कि नई पीढ़ी भी उसका अनुसरण कर सके। और अंत में हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ प्रयास के लिए मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। एक तो अपनी धार्मिक परंपराओं को जानें, उसको पहचानें, पुश्तैनी भाषा को का प्रयोग करें, परंपरागत व्यंजनों की विधि अगली पीढ़ी को तक पहुँचाएं, संस्कृति की कला तकनीकी को दूसरों को बताना, समुदाय और समाज के साथ समय समय पर जुड़ना, राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व उत्सवों के बारे में लोगों की सहभागिता बनाना, संस्कृति पर गौरव करना और अपने आचरण पे उतारना। अब हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है सर्व कल्याण की भावना। इस सर्व कल्याण की भावना के श्लोक मंत्र के पश्चात मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागीदारी न बनना पड़े, इसी मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ और सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, अपना समय दिया, और आयोजक मंडल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया आप लोगों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का। धन्यवाद।